अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं तीन मजेदार सी रेसिपीज। सी फूड छाया हुआ आजकल, गोवन फिश करी बनाएंगे और एक बड़े मजेदार सी डिश है गुजराती कम्युनिटी की, या मेमन कम्युनिटी की आप उसको कह लें, वो है लहसुन। होता है गुजराती लहसुन, बाजरे की रोटी बनती है और हरा लहसुन अभी आया हुआ है मार्केट में। सर्दियों की खास सौगात है तो हमने कहा क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए, तो गुजराती लहसुन बनाएंगे और इसके साथ साथ बनाएंगे एक अदद केक, बनाना केक, बड़ा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा स्पंज इसका बहुत अच्छा है, और इसको हम बनाएंगे और इसको टॉप करेंगे किसके साथ, फ्रॉस्टिंग होगी विपी विप की क्रीम के साथ। जनाब विपी विप आप लोग जानते हैं नॉन ब्रांड है पाकिस्तान का, और इनका ये कहना है इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। नॉन वेज के नॉन डेरी क्रीम बना रहे हैं जिसके अंदर तीन फ्लेवर्स हैं, वनीला है और डेरी फ्लेवर है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में क्रीम है। इसके अलावा बहुत बड़ी वैरायटी है बेकरी प्रोडक्ट्स की जिसके अंदर चॉकलेट्स हैं, तीन किस्म की चॉकलेट्स हैं। उसके अलावा ये चोको हैज बड़ा वर स्टाइल प्रोडक्ट है, हेजलनट फ्लेवर के साथ है, स्प्रेड है जिसको आप बतौर स्प्रेड तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे आप मीठे बना सकते हैं, देसी मीठे बना सकते हैं, इससे डिजर्ट्स बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, एक है बेक हाउस जो कि सिस्टर कंसर्न कंपनी है मिल्कीज फूड की, जो ऑफर करती है बहुत सारे स्टफ आपको, फूड आइटम हो या नॉन फूड आइटम हो। अगर आपको कोई बेकरी खोलनी है और पूरा बेकरी का वन विंडो सॉल्यूशन चाहिए तो बेक हाउस हाजिर है। इनके पास छोटे नोजल से लेके हर किस्म के मोल्ड्स, छोटे मोटी मशीनें, बड़े मिक्सर्स, बड़े ओवन, छोटे ओवन, हर किस्म का इक्विपमेंट आपको मिल जाएगा। बहुत सारा फूड आइटम है जिसके अंदर फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं, प्यूरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन शॉप है, आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर बुक करो, पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड डिलीवरी है, घर बैठे आपको आपके प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है बनाना केक, उसका बनाएंगे एक अदद स्पंज और उसके बाद उसको हम करेंगे फ्रॉस्टिंग क्रीम के साथ। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है। तो छोटी रेसिपी लगाएंगे, ये मोल्ड हमारे पास 1 पाउंड का साझा है, जो आप 7x7 या 7.5x7.5 इंच का ये मोल्ड होता है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। ये अगर इसी साइज में आपके पास स्क्वायर मोल्ड होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस 1 पाउंड के साझे के लिए हम बना रहे हैं स्पंज। तो जनाब सबसे पहले आप ले लेंगे 2 अदद केले और इनको करेंगे मैश। और आज का सवाल भी पूछते हैं क्योंकि बन रही है मछली हमारे पास, तो आज का सवाल भी हम साथ साथ करते जाएंगे। कोई 3 अदद आपने मछली की अकसाम बतानी है कि कौन कौन सी किस्म की मछलियां, वैसे तो लादादा किस्म की मछलियां, फिशरी जाएं तो आपको पता चलेगा ऐसी ऐसी फिश आपको देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी कि अच्छा ये भी मछली होती है, ये नाम है, 500 से ऊपर अकसाम है जो कराची में भी पाई जाती हैं। तो आपने कोई 3 अकसाम के नाम बताने हैं, सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है डिलक्स सैंडविच मेकर, कॉल करके जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। हम बना रहे हैं यहाँ पे बनाना केक। बनाना केक बनाने के लिए हमको चाहिए 2 अदद केले, केलों को हम कर लेंगे मैश। केलों को अच्छे से करना है मैश। चलें भी केले हो गए मैश हमारे यहां पर। अब इसमें शामिल करना है हमने शुगर, ऑयल और 3 अदद अंडे। अब इन तमाम अज्जा को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
और इतना चलाएंगे कि चीनी का दाना जो है वो खत्म हो जाए। चलें, ये बन गया एक मिक्सचर। अब जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट हैं, जिसके अंदर है मैदा, इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, स्वीट सोडा, और ये तमाम अज्जा चले जाएंगे अंडे वाले मिक्सचर के अंदर। इसको भी अब अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। अब इस मिक्सचर के अंदर शामिल कर देंगे हम मिल्क। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। फाइनली इसमें हम शामिल कर देंगे लेमन जूस। चलें, मिक्सचर हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे ये वाला मोल्ड, इसको कर लेंगे ग्रीस ऑयल के साथ, और बटर पेपर लगा दें इसके अंदर। अब फिर से अभी बटर पेपर काट के आप लगा दें इसे राउंड शेप में। बटर पेपर इसलिए लगाते हैं ताकि आसानी से जो हमारा स्पंज वो बाहर आ जाए आफ्टर बेकिंग। बाद में भी आप इस पे ऑयल लगा दें ताकि क्या होगा, ये अच्छे से चिपक जाएगा मोल्ड की वॉल के साथ। चलें, अब ये जाएगा मिक्सचर मोल्ड में। चलिए, अब हम करेंगे इसको बेक। टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापिस आ गए। ब्रेक पे आने से पहले हमने बनाना केक का मिक्सर बनाया और फिर उसको हमने कर दिया ओवन की नजर। 170 डिग्री पे बनेगा कोई 30 से 35 मिनट तक, तो सुकून से बेक होता रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है गुजराती लहसुन। अच्छा, ये अरा लहसुन जो है ना, ये बड़ी कारामद चीज़ है। सर्दियों में आता है और बड़ा नायाब होता है, शॉर्ट टाइम के लिए आता है, एक से डेढ़ महीना उसके बाद ये शॉर्ट हो जाता है। तो हमने कहा जरा इससे फायदा उठा लें। बहुत अच्छी खुशबू, बेहतरीन, मज़ेदार। चलें सवाल भी रिपीट करते हैं। आज का सवाल हमने पूछा है कोई तीन अकसाम की मछलियों के अपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें सबसे पहले गूंथते हैं आटा, बाजरे का आटा। चलें यहाँ पे है हमारे पास बाजरे का आटा। और इसमें डाल देंगे हम नमक और इसको हम गूंथ लेंगे। थोड़ा सा टाइट गूंथा जाएगा। चमचे से पहले मिक्स करते हैं इसको और फिर हम इसको पहले हमने क्या करना है, बाजरे की रोटी बनानी है। और बड़ा अच्छा प्रोसेस भी अच्छा है इसका, मज़ेदार डिफरेंट है और इसका सर्विंग स्टाइल भी बड़ा आला है। पहले हम रोटियां बनाएंगे, फिर रोटियों को कर लेंगे चूरा। फिर जो ये हरा वाला लहसुन है इसको हम घी के अंदर अच्छे से सौते करके वो शामिल कर देंगे इन रोटियों के अंदर जो कि हमने चूरा कर दी होंगी। और फिर इसके साथ एक अदद बनेगा रायता बैंगन का, बैंगन का भुरता कह लें, बैंगन का रायता कह लें, तो वो ऑन साइड सर्व होगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है। जो लोग बनाते हैं घर में उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं बनाते उनके लिए नई चीज़ होगी, लेकिन बड़े मज़ेदार काम की और हेल्दी भी है। तो यूजुअली हम बाजरे की रोटी भी नहीं खाते और ग्रीन गार्लिक भी निकालते हैं। गार्लिक के वैसे ही बहुत ज्यादा फायदे हैं। हमारे साथ कॉलर हैं आयजा बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। जी मैं ठीक, अल्लाह ताला आपको ढेर खुशियां दे और नया साल आपको मुबारक और आपकी पूरी टीम को मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक। मैंने आपकी तारीफ करनी थी, आप बहुत ही अच्छा शो करते हैं। हम घर वाले आपको बहुत ही पसंद करते हैं और हर वीकेंड से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके सवाल का जवाब दूं? जी जी। एक तो रोहू, दमड़ा, सुरमई, गुलफाम। क्या बात है भाई, क्या एक सांस में आपने पांच नाम बता दिए। चलें भाई ये तो आ गया, बहुत ही अच्छा शो करते हैं। आपका जवाब की फरमाइश है आपकी, तो बताइए। आप सब फरमाइशें पूरी कर देते हैं। और ये जो आपने बनाना केक बनाया ना, ये हमारे घर ओवन तो नहीं है लेकिन मैं पतीले में कल जरूर इसको बेक करूंगी। बिल्कुल पतीले में बिल्कुल आप बना सकते हैं इसको। जी जी थैंक यू। आपने हर चीज इतना आसान सब कुछ बना दिए कि किसी के घर में ओवन नहीं है तो वो घर में घर बैठे पतीली में बना सकते हैं। और ये सुबह मैं जरूर ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। आपने ट्राई भी करना और हमें बताना भी है कि कैसा बना। जी जी थैंक यू सो मच। चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें ये जो आटा हमारा ये गुन चुका है, बस को थोड़ा सा देंगे रेस्ट। अच्छा बड़ा ये नॉर्मल आटे की तरह नहीं होता जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं और मैदा गुन जाता है, थोड़ा सा ये आपको भुरभुरा दिखेगा तो उसको संभालना थोड़ा टेक्निकल होता है। आपने इसको अच्छे से बेलना है, बेलने के लिए भी हम थोड़ा सा इसमें थैली का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये टूटे ना, आसानी से बिलता नहीं है। मतलब बिल जाएगा तो फिर आपको हैंडलिंग में मसला होगा, उठता नहीं है, टूट जाता है। तो इंशाल्लाह इसको अच्छे से हैंडल भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि हैंडल करना कैसे है इसको। और दूसरी जानिब यहाँ पे हमारे पास है बैंगन। बैंगन को क्या करना है, अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में रख के इसको जलाना है, नहीं तो आप चूल्हे पे रख के सिंपल बैंगन
बैंगन को जला देंगे, इनकी स्किन जो है वो जल जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, स्किन हटा देंगे और अंदर का जो पल्प है वो निकाल लेंगे। चलें दो रखते हैं यहाँ और एक रखते हैं यहाँ, सही है। धीमी आंच पे छोड़ दें थोड़ी देर में, 10-12 मिनट के अंदर ये अच्छे से स्किन जल जाएगी और अंदर तक ये गल जाएंगे और एक अच्छा सा इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा। चलें एक और लगा देते हैं। चलें ठीक है, जरूरी नहीं आप ओवन में करें, चूल्हे पे रख के आराम से जला दें। हल्का सा पानी का हाथ लगाता हूं उस पे। आटे को रेस्ट देना जरूरी है, बस 10 मिनट का रेस्ट दे दें और उसके बाद आपने इनके गोल गोल पेड़े बना लेने। फिर थैली के ऊपर रख के ऊपर नीचे रख के पेड़े के ऊपर नीचे थैली रख के हम इसको बेल लेंगे और आसानी के साथ फिर हमने रोटियों को सेकना है, बगैर तेल या घी लगाए हम सेकेंगे और उसके बाद करेंगे चूरा। ये देखिए, चलें यहाँ पे डो हो गया तैयार और साथ के साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो रोटियों को बेल के सेकेंगे, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है लहसुन, ग्रीन लहसुन, गुजराती लहसुन, और जनाब बाजरे का आटा हमने गूंद लिया है। अब तैयारी है रोटियों की, पेड़े बना रहे हैं और साथ साथ भुरते के लिए यहाँ पे बैंगन जो है वो भी जल रहे हैं। बैंगन की स्किन जो है वो जल जाएगी और बैंगन सॉफ्ट हो जाएंगे अंदर से, तो फिर हम क्या करेंगे, छिलका अलग करके बैंगन का भरता बना लेंगे जो पल्प इसके अंदर से निकलेगा। चलें यहाँ पे तवा भी हमने रख दिया है गरम होने के लिए। अब क्या करना है, आपने इस तरह थैली रख के, आ रहा है भाई नजर आ रहा है सही? चलो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको बेल लेना है। क्योंकि थोड़ा सा ये आटा जो है ना डिफरेंट होता है अदर आटों से और मैदे से, तो आपने इसको इसी तरीके से बेलना है। अगर आप सिंपल टेबल टॉप पर रख के बेलेंगे या चकले पे बेलेंगे तो फिर ये रोटी जो आपकी ना चांस है कि चिपक जाए। और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको सेकेंगे हम। ताकि अच्छे से जो ये पक जाए और कच्चापन ना रहे। बिल्कुल धीमी आंच पे, पेशेंस का काम है। सुकून से हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेकेंगे इसको। ये आपने किया, ये हटाया आपने और इस तरीके से आपने इसको डाल दिया। इसी तरह हम सारी रोटियां जो हैं वो बेल लेंगे। और आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, बड़ा आसान हमने सवाल पूछा है। कोई भी तीन किस्म की आपने मछलियों की अकसाम के नाम बताने हैं। कौन कौन सी मछलियां, वैसे तो बहुत सारी अकसाम की मछलियां अल्लाह पाक ने इतनी बनाई है कि हमारी सोच में भी नहीं है। तो आपने कोई तीन मछलियों के नाम बताने हैं और आज सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें बैंगन का जो है ना, कॉलर है हमारे साथ कराची से, हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए।
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आपको, आपको पूरी टीम को, पूरे मसाला चैनल को नए साल की बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से भी आपको मुबारक हो। खैर मुबारक हो, अल्लाह पाक मतलब ये साल हम सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, और जो बीमारी है कोविड की ये अल्लाह पाक खत्म करे, और सेहत वाली अल्लाह पाक जिंदगी दे। आमीन आमीन सुम आमीन। और नहीं देख रही थी अभी आप ये बाजरे की बना रहे हैं रोटी, तो उसमें मतलब है कि बाजरा मैंने भी मंगाया हुआ है, मैं किया तो बना लेती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं आती थी, तो मैं इंशाल्लाह ताला ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह आप जरूर बनाए, बहुत मजे की डिश है ये, और आपको बड़ा मजा भी आएगा खाने में और लोग पसंद भी करेंगे। जी जी, और आपके आंसर भी देना चाहूंगी। जी जी दीजिए। कि वैसे तो पूरे हमारे मतलब पाकिस्तान में काफी इकसाम पाई जाती है, लेकिन दुनिया भर में तकरीबन फिश की 32,000 बल्कि इकसाम पाई जाती है। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। और पाकिस्तान में व्हाइट पापलेट है, रामिस है, मुश्का है, रऊ है, धोतर है, सुरमई, सांबर है, हीरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बहुत सारे इकसाम पाई जाती है। ये तो हो गया आपका जवाब, आपका जवाब आ गया। बताए कोई आपकी फरमाइश है जो हम पूरी करें आपको सर्दियों के हिसाब से? सब पूरी कर देती है। तो आप बना रहे हैं बैंगन का, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी ट्राई करूंगी। बिल्कुल करें, क्योंकि अभी ग्रीन गार्लिक आया हुआ है तो इससे आप फायदा उठा सकती हैं, और ये चला जाएगा तो फिर ये डिश बनेगी नहीं आपकी। बहुत अच्छे बैंगन आए हुए मतलब। जी जी, बैंगन भी अच्छे है, ये गार्लिक जो हरा वाला लहसुन है ये भी आप जरूर लेके आइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देखें भाई धीमी आज पे हमने इसको पकाना है तसल्ली के साथ, एक रोटी 5 से 7 मिनट लेगी आराम से, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है और तसल्ली के साथ सेकनी है रोटियां, क्योंकि ये जो ना आपने अगर सेकी नहीं ना तो एक कच्चापन जो होगा ना आटे का बाजरे का वो आपको फील होगा, तो फिर मजा नहीं आएगा खाने में। ठीक हो गया जी, बैंगन हमारे हो गए हैं तैयार, चूल्हा कर देंगे दोनों का बंद, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, और एक काम और कर सकते हैं कि इनको एक डुबकी लगा सकते हैं पानी में, पानी में गोता लगवा देंगे इनका, तो फिर क्या होगा स्किन आसानी से उतर जाएगी। हाँ जी, ये देखें कलर आना शुरू हो गया, ऐसे ही कलर आएगा अच्छे से, और फिर आपने इनको ठंडा करना है, या तो हाथ से तोड़ लें या नाइफ की मदद से चॉप कर लें या चॉपर में डाल के चला दें, जो भी सहूलत है उसको इस्तेमाल करें और जो है इसका बना लें चूरा। वाह भाई वाह, केक जो हमारा उठने लगा अच्छे से जबरदस्त, लेकिन अच्छा खासा राइज हो गया। चलें भाई इसी तरह हम सारी रोटियां जो है वो तैयार करते हैं। बस ये रोटियों में टाइम लगेगा, बाकी तो फिर झटपट है ये रेसिपी। एक अदद तवा अगर मैं और लगा लूं तो आसानी हो जाएगी। चलें इसका भी करते हैं कुछ ना कुछ। चलें ये आ गई एक रोटी, अब दूसरी रोटी उठा लेते हैं। चलें इसी तरीके से आपने चारों पांचों जितनी भी रोटियां आपके पास हैं आप बेल लें, और भुरता जो है बस भुरता बैंगन का अलग करेंगे, फिर दही में मिलाएंगे और थोड़ी करेंगे सीजनिंग सॉल्ट पेपर जीरे के साथ, और जनाब रायता हो जाएगा हमारा तैयार। अच्छा आप इसको कोयले का दम भी दे सकते हैं, लास्ट में आप कोयले का दम दे दें तो आहा चार चांद लग जाने। चलें भाई सवाल आज का हमारा बड़ा आसान सवाल है, कोई भी 3 किस्म की मछलियों की अकसाम के अपने नाम बताने। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। मेरी कोशिश है कि रोटी पतली से पतली बेलूं ताकि सिक जल्दी जाए और अच्छे से अंदर तक सिक जाए। ये चीज थोड़ी सी आंच कम कर दें तसल्ली के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलें ये ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में कोशिश है कि सारी रोटियां झटपट
पका लें एक आध तवे का और इंतजाम करते हैं। ब्रेक से वापिस आएंगे तो करेंगे फाइनल, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, यहाँ बाजरे की रोटी हमारी तैयार हो चुकी है और जनाब बैंगन जो है वो भी सिक गए, बस अब जल्दी से करनी है मिक्सिंग और ये हो जाएगा झटपट तैयार। चलें रोटियां डन, चूल्हा करेंगे बंद और तवा वापस अपनी जगह। चलें बैंगन भी हमने पानी में गोता लगवा दिया, और अब उतारना है सारा छिलका। चलें इस तरीके से पल्प आ जाएगा हमारे पास। ये छिलका उतर जाएगा इतनी आसानी से, जो जल गया ठीक है जी। और इस तरीके से आपने पल्प इसका सारा निकाल लेना है। आज का हमारा सवाल बड़ा इजी, हमने सवाल पूछा है कोई भी तीन किस्म की आपने मछलियों की अकसाम बतानी है, नाम बताने हैं कौन कौन सी मछलियां पाई जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन तीन के नाम बताएं। आज आपके लिए हमारे पास एनएक्स की तरफ से नाम है डिलक्स सैंडविच मेकर। देखें कितनी आसानी से छिलका उतर गया और बड़ा मज़ेदार जो ये स्मोकी फ्लेवर आ जाता है बैंगन के अंदर। आसानी से आप इसको अब अलग कर सकते हैं। मेमन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है ये, और गुजराती कम्युनिटी में खास तौर पे बस जैसे ही लहसुन के आने का इंतज़ार होता है, ग्रीन लहसुन आया मार्केट में और ये वाली जो है डिशेस बनना शुरू हो गई। चलें आखिरी ये वही वाला सीन है जो देखा अपने कोयले में दबा के शकरकंदी बनाते हैं, कोयले में इतना जबरदस्त उसको पकाते हैं कि स्किन उसकी जल जाती है और शकरकंदी जो हमें बेहतरीन वाली मिल जाती है। चलें चलें फाइनली ये इसको करेंगे आउट। चलें भुरता हो गया हमारा तैयार, बस को हम मोटा मोटा कूटेंगे। अब हमने करना क्या है, ये जो सारी रोटियां हैं रोटियों को तोड़ के चॉपर में डाल देंगे। अच्छा बहुत ज्यादा पाउडर नहीं करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं हामिद फैसलाबाद से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं ठीक ठाक हैं? ठीक शुक्र लगा आपने, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास जबरदस्त। नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपके क्वेश्चन का आंसर देना था? जी जी बिल्कुल दीजिए। रोहू मछली होती है, इसके अलावा चिड़ा मछली होती है, सोल मछली होती है, बिल्कुल होती है, डमरा मछली। ठीक हो गया, ये तो हो गया आपका जवाब। अब बताएं आपकी कोई फरमाइश है? अखरोट का हलवा बनाना सीखा। अखरोट का हलवा? हाँ जी। पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया अभी तक, चलें जरूर बता दूंगा। कोई मैसेज है नए साल के हवाले से लोगों के लिए आपकी तरफ से? यही मैसेज है कि जो है नया साल हमारे लिए जो है ना वो खुशियां लेकर आए। खुशियां लेकर आए और अच्छी सेहतें लेकर आए, परेशानियां दूर करे। निकला था बेगा उसका 26 सितंबर को, वो नहीं मिला अभी तक। अच्छा विन किया था, चले भाई इनके जरा नोट करें ये मामला हल करें इनका भाई, चलें आपका मसला हल कराते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा भाई, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। इसको आपने ना सही ठंडा करके पीसना है आपने। अगर गरम गरम पीसेंगे तो पता ही क्या होगा, ये दोबारा से डो बन जाएगा। अगर गरम गरम पीसेंगे ना तो दोबारा से डो बन जाएगा ये। ये लें जी, मतलूबा चूरा हमारा तैयार हो गया, देखें इस तरीके से ये। ठीक है जी, अब इसको करते हैं फाइनल झटपट। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक अदद फ्राइंग पैन, और इसमें हम डालेंगे वीटीएफ वनस्पति, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसडी ट्रीटेड है, जो बने बड़ा मजेदार और बेहतरीन। अच्छा, फौजी सुप्रीम वनस्पति घी, चलें इसको हम करेंगे गरम, बड़ा अच्छा मजेदार खुशबूदार है। जैसे ही गरम होगा इसमें जाएगा ये ग्रीन गार्लिक, इसको थोड़ा करेंगे सौते, और फिर इसको हम शामिल कर देंगे जनाब इस चूरे के अंदर। ये आ गया चूरा, समझे, इस पे तड़का लग जाएगा। आप इसको मक्खन के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको देसी घी के साथ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो भी इजी अवेलेबल रिसोर्स आप उसके साथ इसको बना सकते हैं। चलें जी, तकरीबन एक मिनट तक आपने इसको सौते करना है ताकि अच्छे से भुन जाए ये, और फिर उसके बाद आपने इसको शामिल कर देना है इस रोटी के अंदर। चलें, अब आपने इसको करना अच्छे से मिक्स, और आपका लहसुन हो गया तैयार। चलें, ये हो गया तैयार, और अब क्या करना है, अब बनाना है इसका रायता। रायते के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले बैंगन का पल्प निकाल लिया, और इसको इस तरीके से आपने बनाना है इसका पेस्ट, फोक की मदद से, या तो आप चाहें तो उसको कटिंग बोर्ड पे रख के चॉप भी कर सकते हैं मोटा मोटा। उसके बाद जाएगा इसमें ये दही, सीजनिंग करेंगे विद सॉल्ट पेपर, जीरे के साथ ब्लैक पेपर, कुटा हुआ जीरा, रोस्टेड और कुटा हुआ, क्या बात है, मजेदार खुशबू, और ये गया नमक हसबे जायका, और प्याज इसमें शामिल करेंगे चॉप करके, बस प्याज रह गई वो मैं इसमें डाल दूंगा चॉप करके, और ये भरता जो है हमारा हो गया तैयार। चलें भाई, ये रेसिपी तो हमारी हो गई तैयार, बस अब इसको करेंगे डिश आउट। एक काम मैंने करना है, प्याज को मैं डालूंगा इसमें चॉप करके, और साथ के साथ नजर डालते हैं केक पर, बेहतरीन तरीके से केक हमारा बनाना, केक अच्छे से राइज हो चुका है जबरदस्त, अब इसको निकाल लेंगे। चलें जी, इसको भी निकालने की तैयारी करते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर करेंगे फ्रॉस्टिंग। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया,
ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे थर्ड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। केक हमारा ओवन से बाहर आ चुका है और इसके साथ साथ जो है लहसुन हमारा तैयार हो गया है। लहसुन और बाजरे की रोटी, इसका भुर्ता भी तैयार है। अब बारी है गोवन फिश करी की। सबसे पहला स्टेप, फिश को हमने नमक लगाकर जो है रख देना है, मैरिनेट कर देंगे दोनों जानिब से। चलें, थोड़ी थोड़ी सी हम इस पे हल्दी भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं इस पे। चलें, इसको आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है फ्रिज में। सही है जी, जब आप लोग बनाएंगे तो हम रखते हैं कुछ मिनट के लिए। बड़ी बेहतरीन करी है और जो है आप इसको झटपट भी बना सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे में आपकी करी है बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले बनाएंगे 1 अदद इसका पेस्ट। पेस्ट के लिए चाहिए हमको इसमें लहसुन, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट मिल्क या कोकोनट। कोकोनट आप ले लें, हम रेसिपी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से, नहीं तो इसमें ज्यादा है कोकोनट मिल्क फ्रेश वाला वो नहीं डाल रहे हम। लहसुन अदरक इसमें गया, ड्राई रेड चिलीज ये जाएंगी। ड्राई रेड चिली ले लें, कश्मीरी लाल मिर्च मिल जाए तो वो ले लें आप। अगर दोनों नहीं आप तो साबित वाली जो गोल वाली हमारी लाल मिर्च है वो भी इसमें डाल सकते हैं। जीरा जाएगा, साबुत धनिया, कोकोनट क्रश्ड, इमली का पल्प, हल्दी। चलें, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे। चलें, थोड़ा सा शामिल करते हैं नमक, बाकी एडजस्ट करेंगे बाद में। चलें, ये बन गया पेस्ट। अब तैयारी करते हैं ग्रेवी की। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम करेंगे ऑन। और जनाब, इसमें हम शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसडी ट्रीटेड है, जो बने बड़ा मजेदार और बेहतरीन। अच्छा, बहुत धीमी आंच पे बनेगा, स्लो स्लो बनेगा। ग्रेवी जो है इसकी जितनी ज्यादा देर पकेगी उतने ज्यादा जो इसमें फ्लेवर आएगा। चले, इस स्टेज पे अब हमने करना क्या है, 1 अदद लेंगे प्याज और प्याज को करेंगे स्लाइस। बल्कि फाइन चॉप करते हैं इसको। आज का बड़ा आसान हमने सवाल पूछा है, कोई भी 3 किस्म की आपने मछली की अकसाम के नाम बताने हैं।
और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। वो लोग जिनकी कॉल लगी जाती है कॉल पे तो जवाब देते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं, उनका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा बिल्कुल से। अच्छा, प्याज जो हमने थोड़ी सी बस सौते करनी है, ब्राउन नहीं करना है इसको। चलें चलें प्याज को करेंगे सौते। प्याज सौते हो जाएगी तो उसमें जाएंगी 2 से 3 हरी मिर्चें छोटी वाली साबुत, चलें ये आ गई छोटी मिर्चें। बस प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो उसके बाद इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्चें। 30 से 40 सेकंड तक हरी मिर्चों को करेंगे फ्राई, और फिर ये जो हमने करी बनाई है इसकी, ये करी चली जाएगी इस प्याज वाले मिक्सचर। चलें जी, बस मिर्चों को थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई, और अब इसमें हम शामिल करेंगे ये करी, और फिर धीमी आंच पे छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। जब आपको लगे कि हाँ ये ग्रेवी जो हमारी अच्छे से भुन चुकी है, तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब फिश। बस अब धीमी आंच पे इसका हम छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट, और उसके बाद इसमें रखेंगे फिश, और फिर इसको दम पे छोड़ेंगे मजीद 8 से 10 मिनट, और ग्रेवी हो जाएगी हमारी तैयार। चलेंगे, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये काम भी करेंगे, केक की फ्रॉस्टिंग भी करेंगे, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ हमने गोवन फिश करी, ब्रेक पे आने से पहले हमने ग्रेवी को धीमी आंच पे रख दिया था, फिश कर दी थी मैरिनेट। अब ये फिश रख देते हैं इस ग्रेवी के अंदर, और धीमी आंच पे छोड़ते हैं इसको 8 से 10 मिनट तक, कवर करके पकाएंगे तो फिश हमारी अच्छे से गल जाएगी, और ग्रेवी हमारी तकरीबन डन हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है, इसके ऑयल ग्रेवी से अलग हो गया। बस फिश को हमने इस तरीके से डिप करके रख देना है इसको। चलें जी, इसको रखेंगे कवर करके धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट छोड़ने। अब बारी है केक को असेंबल करने की। केक आप अच्छे से कर लें ठंडा, और ये ऊपर का टॉप काट लें, इसको आपने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना है, ये काम आएगा शाम की चाय के साथ। चलें, और इसको मॉइस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आपने करना क्या है, इस पे लगाएंगे क्रीम मिल्कीज़ फूड की, विप क्रीम, ये है हमारा वनीला फ्लेवर, बस ये आ गया। अब आपने करना है क्या, अब आपने लेने हैं ये बनाना को छील कर,
और बिल्कुल थिन स्लाइसेस करेंगे, बिल्कुल थिन स्लाइसेस आपने इस तरह लगाने पूरे केक पे रैंडम। आज का बड़ा आसान हमने सवाल पूछा है, कोई भी आपने तीन फिश की अकसाम के नाम बताने हैं। वैसे तो बहुत सारे फिशेज हैं, लेकिन कोई भी तीन फिश के आप नाम बताएंगे और आज सही जवाब पे आज लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर, बिल्कुल थिन स्लाइसेस। अच्छा, इस केक को हम पूरा साइड से फ्रॉस्टिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हमने क्या करना है, टॉप पे लगाएंगे क्रीम और सेंटर में लगाएंगे, साइड इसकी ऐसी रहेंगी। और ये रेसिपी जो है आप मुख्तलिफ फ्रूट्स के साथ लगा सकते हैं, हमने बनाना के साथ बनाई, सेम स्पंज की भी रेसिपी आप मैंगो के साथ बना सकते हैं, आप पीच के साथ बना सकते हैं, आप पपाया के साथ बना सकते हैं, जो फ्रूट आप खाना चाहें उसके साथ आप जो है स्पंज भी बना सकते हैं और वही फ्रूट जो है आप इसको जनाब लेयर में भी दे सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी भी आ जाएगी कुछ टाइम में, तो आप स्ट्रॉबेरी के साथ ये प्रॉपर केक बना सकते हैं। चलें, ये हो गया, अब आपने लगाया इस पे सेकंड लेयर, सेकंड लेयर के बाद भी आपने इसके ऊपर लगाई विप विप क्रीम, और इसी तरीके से हम बनाना स्लाइसेस भी लगाएंगे इसके ऊपर और उस पर कुकीज लगा के भी हम इसको डेकोरेट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से थिन स्लाइसेस, हाफ केक पे लगा देंगे और हाफ केक जो हम कुकीज से कवर करेंगे। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे मजा भी आएगा देखने में भी और खाने में भी। साथ साथ जो है फिश की बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। अच्छा, ये फिश जो है आप ये राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, स्टीम राइस के साथ खाएं। चलिए, देखें एक अदद केले को हमने इतने थिन स्लाइसेस किए कि पूरा केक जो इससे कवर हो गया। चलें, केक हमारा तैयार है। साथ साथ रीकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि फिश की क्या पोजीशन है, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, केक हमारा डेकोरेट हो चुका था, फिश करी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। चैलेंज, ये आ गया गार्निश के लिए जिंजर, थोड़ा सा आ गया इस पे हरा धनिया, डन। अल्हम्दुलिल्लाह मेन्यू हमारा तैयार हो चुका है। चलें जी, आई होप कि ये सारी रेसिपीज आप लोगों को पसंद आई होंगी और अच्छे से आप लोगों ने नोट डाउन भी कर ली होंगी,
और तमाम रेसिपीज आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है और हमें बताना भी है कैसा लगा, फीडबैक देना है। और जरा आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं सर्दी के हिसाब से, 3-4 फरमाइशें आई थी हमारे पास, कल भी आई थी, पिछले हफ्ते भी, तो हम लोगों ने उसको मेन्यू में डाल दिया है। तो इसी तरीके से हमारा आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो इंशाल्लाह मेन्यू भी अच्छे रहेंगे और जो है अच्छा खासा काम भी हो जाएगा। और विनर कौन है आज हमारे? आयजा हैं बावलपुर से, भाई बहुत मुबारक हो, आपने जीता है आज एनएक्सी से डिलक्स सैंडविच मेकर, क्या बात है, बड़ा इनाम था, बहुत मुबारक हो आपको। नए साल का आगाज भी है, 2 तारीख है और आपने इनाम जीता है, और इंशाल्लाह देखें शुरुआत हुई आपकी इनाम जीतने से, तो पूरा साल आपका इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा। तो जनाब ये सारी रेसिपीज आप लोगों ने ट्राई करनी है और हमें फीडबैक भी देना है, और हम मुंतजर रहेंगे आपके फीडबैक का, क्योंकि आपका फीडबैक जब तक आता नहीं है ना तो मज़ा नहीं आता काम करने में। जब फीडबैक अच्छा आता है तो हौसला अफजाई होती है, तो और अच्छी अच्छी जो है हम रेसिपीज निकालते हैं आप लोगों के लिए, इन्वेंट करते हैं आप लोगों के लिए। तो जनाब इसके साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।